सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गए हैं हमारे एक और वीडियो के साथ, और आज मैं लेके आया हूँ रेडमी नोट 10 का रिव्यू। और मैंने इसको 4 से 5 दिन यूज़ किया है, और आपको यूज़ करने के बाद मैं बताता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस कैसे निकल के आया है, और मुझे गेमिंग कैसी लगी है, मुझे इसकी एडिटिंग कैसी लगी है, मुझे इसका वीडियो कैसी लगी है, हर चीज़ में आज आपको डिटेल में बताऊँगा, और मैं आप लोगों का टाइम भी बचाऊँगा। तो आप लोगों को जो है ना हर चीज़ जो है ना मैं बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा, लेकिन ऐसे बताएंगे कि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना और हमारी वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रन। तो ये है हमारा रेडमी नोट 10, ठीक है। ये इसके बैग पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी बैग और ये इसका फ्रंट। ये अब स्क्रीन ऑन हुई है, आप देख रहे हैं सफ़र कि इसकी जो है ना कितना इसका अच्छा वो है कि आप अगर मैंने इसको यूज़ किया है तो ये देखिए आप कितना तेज़ इसकी जो लाइट है वो इतनी तेज़ है कि अगर आप धूप में भी हैं तो ये आपको तंग नहीं करता। और सबसे मज़े की बात में अगर आपको इसकी बताने चलूँ तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये देखिए। सो या मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि इसका फिंगरप्रिंट कैसा है, तो ये देखिए अभी मोबाइल ऑन है, ये मैंने मोबाइल ऑफ किया और सिर्फ ये और ये ऑन हो गया। इतना तेज़ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं पहले भी शाओमी यूज़र रह चुका हूँ, मैंने इससे पहले इन्फिनिक्स भी यूज़ किया, शाओमी भी यूज़ किया और काफ़ी सारे ब्रांड्स और यूज़ किए हैं, बट इसका जो मुझे डिस्प्ले लगा है और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है सबसे बेस्ट लगा, द वन ऑफ द बेस्ट अगर मैं इसको सेंसर कहना कहूँ इन डिस्प्ले फिंगर अपना साइड फिंगरप्रिंट सेंसर तो गलत नहीं होगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले आता है इस फ़ोन के साथ, जो कि मैंने आप लोगों को पहली वाली वीडियो में बता दिया था। अब सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इसमें और 720p रेजोल्यूशन IPS LCD में क्या फ़र्क है। सो इसमें और IPS LCD में फ़र्क ये है कि IPS LCD में आपको रेजोल्यूशन जो मिलते हैं 720p या फिर बहुत भी हो जाए तो 1080p तक मिल जाते हैं, जिसमें आप YouTube पे वीडियो 1080p जब चलाएंगे तो उसमें अक्सर आपको हल्का सा लैग महसूस होगा, लेकिन इसमें आपको 4K तक मिलती है और 4K आपका ऐसा यूज़ होगा कि आप लोगों को ज़रा सा भी लैग बिल्कुल नहीं मिलेगा देखने को। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस हमारे पास जो आती है बहुत अच्छी निकल के आती है, 4GB 128GB इसकी रैम और रोम है, और अगर सच पूछे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मुझे बल्कि बहुत अच्छा लगा कि 32,000 की प्राइस में मुझे ये चीज़ मिली है, क्योंकि मुझे इतने में अगर मैं सैमसंग लेने जाता तो मुझे सैमसंग का ऐसा कोई फ़ोन ना मिलता जिसमें इतना कुछ होता। इन्होंने एमोलेड डिस्प्ले तो दिया बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो मैं कहता हूँ अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसकी अगर खुदा ना खत गोरिल्ला ग्लास 3 जो है ना प्रोटेक्शन इस पर लगी हुई है, अगर आप चाहें तो आप इस पे जो है ना प्रोटेक्टर वगैरह लगवा लें। मैंने अभी जो इनका बॉक्स में आता है साथ, तो Xiaomi वाले ये अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि जो है ना प्रोटेक्टर साथ देने के बजाय लगा देते हैं। सो मैंने अभी तक मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी प्रोटेक्टर इसका बैक कवर मंगवाया है, वो आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा वीडियो में, अगले किसी ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगा। सो अगर इसे कैमरे की बात करें तो कैमरा इसका इंतहाई कमाल। मैंने नाइट मोड में आप लोगों के साथ मैं तो कुछ तस्वीरें शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा जो डे लाइट की वीडियोस हैं और फोटोज़ हैं वो मैं आप लोग शेयर कर देता हूं, और उसके बाद मैं आपको लाइव भी इसका कैमरा दिखा देता हूँ, इसका कैमरा कैसा है और कैमरे में क्या क्या फीचर। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि ये इस वक्त फ़ोटोज़ पे है और ये कितना जो है ना इसको बिल्कुल सही इसको वो कर रहा है। अब देखें आप, मैं इसको 0.6 पे करता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ता है, ये देखें वाजह फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका वीडियो, तो वीडियो में आप लोगों को मिलती है ये देखिए अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको वीडियो में भी मिल जाता है, और इस वक्त ये मैं आपको कैप्चर करके दिखा देता हूँ कुछ, तो अगर कैप्चर करके देखें तो आप लोग ये देखिए कैप्चर भी ये फ़ोन बहुत अच्छा करता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका प्रो मोड, अब प्रो मोड में इसकी वीडियो भी है और ऑडियो भी। अब प्रो मोड मैंने सेट नहीं किया हुआ इस वक्त, सो इसको हमें सेट करना पड़ेगा, इसको हम करेंगे बाद में सेट। मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ पोर्ट्रेट मोड, तो पोर्ट्रेट मोड इसका ऐसा है कि आप खुद भी सेट कर सकते हैं, तो पोर्ट्रेट मोड हम इसका लेके देख लेते हैं। सो पोर्ट्रेट मोड मैंने इसका ले लिया है, और आप लोगों को पोर्ट्रेट मोड में सामने नज़र आ रहा होगा, मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट मोड इसका काफ़ी सही है, क्योंकि
कहीं भी मुझे जो है ना पॉइंट ये ख़राब करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो चीज़ मैंने कैप्चर करनी थी वो चीज़ ने कैप्चर किया, बाकी सारा ब्लर कर दिया है, और जहाँ से हल्का ब्लर करना था वहाँ से हल्का या ज़्यादा करना था वहाँ पे ज़्यादा ब्लर है। सो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है 48 मेगापिक्सल कैमरा शूटर, तो उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें मिलते हैं वी वाइब मिलता है, गोल्ड वाइब मिलता है, ये मुझे बहुत पसंद आया अगर आप मेरे सच पूछें तो। क्योंकि ये देखें, ये आप बिल्कुल कलर टोन बिल्कुल चेंज कर देता है, ये देखें ये बिल्कुल कलर टोन बिल्कुल चेंज हो जाती है। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊं इसका, ये भी हो गया, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये पैनोरामा आप लोगों को पता है, नाइट मोड में इसकी पिक्चर्स में आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि नाइट मोड भी इसका बहुत कमाल है। अगर मैं लाइटें बन के तस्वीर लूँ तो ये बहुत अच्छी आएंगी मुझे, और अगर मैं वैसे भी लूँ तो बहुत अच्छी आएंगी। मैं आप लोगों को तस्वीर खींच के दिखा देता हूँ, अगर नाइट मोड अगर हम सिंपल तस्वीर नाइट मोड में लेते हैं तो क्या होता है। सो ये तस्वीर हमने खींच ली है, और आप तस्वीर की डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, तस्वीर की डिटेल कैसी आई है आप देखते हैं। तस्वीर की डिटेल नाइट मोड में तस्वीर की डिटेल बहुत अच्छी निकल के आती है हमारे पास। तो अगर इसके बाद हम देखें स्लो मोशन, तो स्लो मोशन में आपको मिलते हैं इधर 120 FPS, 240 FPS, 960 FPS। मैं 960 FPS में मेरी वीडियो बनाई थी लेकिन मुझे थोड़ा सा लैग भी आया उसमें, 240 FPS में मेरी वीडियो बनाई थी, मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनी थी सच पूछे तो, मुझे मज़ा आ गया। और उसमें इसमें शो ग्रिड लाइंस भी हैं, सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप लोगों को उसमें काफ़ी सारे फीचर्स और मिल जाएंगे देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं टाइम लैप्स की तरफ, टाइम लैप्स में आपको क्या क्या मिलता है ये हम देख लेते हैं। टाइम लैप्स में आपको 4K तक वीडियो बनाने की ऑप्शन मिल जाती है, 1080p में भी आपको 30 FPS मिल जाती है, 720p 30 FPS में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। मोर में हमारे पास क्या है, मोर में हमारे पास एडिट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और शॉर्ट वीडियो है। अब ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ करते हैं शनाख्ती कार्ड वगैरह की तस्वीर खींचने के लिए, आधार कार्ड, इंडिया में आधार कार्ड चलता है, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड, जो भी है, या आप वीडियोज़ वगैरह इसे आप अपनी जो भी तस्वीर कैप्चर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद पबजी की तरफ चलें तो पबजी इसमें HD ग्राफिक्स पर बड़ी अच्छी तरह चल जाती है। तो फ्रंट कैमरे में हमें ऑप्शन मिलते हैं इसके, फ्रंट कैमरे में हमने इसको स्विच कर लिया है, ये देखिए आप मैं इस वक्त कितना क्लियर नज़र आ रहा हूँ, हालांकि मेरे पीछे लाइट अच्छी खासी है। HDR में ऑप्शन ऑन है, AI ऑन है इस वक्त, और मुझे इसके ऑप्शन क्या मिलते हैं, इसमें मुझे 1.1 मिलता है, 3.4, 9.16 और फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन प्लग का मैंने यूज़ किया है, मूवी फ्रेम मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर तो आप एडिटर हैं, आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, आप एडिटर हैं तो आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे कि ये बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कि इस मोबाइल को कौन कौन ख़रीद सकता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, तो आप अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप गेमर हैं, अगर आप गेम्स का खेलते हैं तो आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं, ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। और अगर इसके अलावा आप एक व्लॉगर हैं, आप छोटे व्लॉगर हैं, मतलब आपके 40-50,000 सब्सक्राइबर हैं, तो तब भी आप ये फ़ोन बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये दूसरे फ़ोन को टक्कर दे सकता है। सो अगर एक और इसके अलावा हम बात करें तो कौन है जो लोग यूज़ कर सकते हैं, उनमें हम बात करें तो जो प्रोफेशनल यूजिंग के लिए लेते हैं फ़ोन, मतलब उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता, थोड़ा बहुत यूज़ करना होता है, तो उनमें आ जाते हैं लोग, वो यूज़ कर सकते हैं सारे, में इसमें इशू कोई नहीं है, सारा अच्छी तरह वर्क करता है, कोई ऐसा मुझे ख़ास इशू नहीं मिला। पबजी की बात करें तो पबजी जो है इसमें मैंने चलाई है, मैंने 2.5 घंटे की गेमिंग की थी, मेरा ख्याल इसमें 30% बैटरी मेरी ड्रॉप हुई थी, इस वक्त मेरी 93% बैटरी है। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी इस अब तक बैटरी नहीं गिरी कोई, तो अभी तक मेरी बैटरी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि मैंने जब फ़ोन लिया था तो मुझे जो है ना एक दो इशू हुआ था कि मैंने पूरी बैटरी डाउन करके दोबारा चार्ज की ताकि मुझे जो है ना एक क्वालिटी अच्छी मिल जाए, तो उसके बाद मुझे क्वालिटी अच्छी मिल गई, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। सो आप लोग ये बाय करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बाय करें, 31,000 में आपको मार्केट से मिल जाता है। अगर हम बात करें व्लॉगर्स की तो व्लॉगर इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 4K स्पॉटेड है, OSI इसमें है, OSI अगर आप लोगों को नहीं पता तो OSI ये होता है कि अगर आप लोगों के पास स्टेबलाइजेशन का आपको बताओ तो स्टेबलाइजेशन OIS भी होता है, तो उसमें जो है ना आप 4K पर स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकते, 1080p पर स्टेबलाइजेशन है, लेकिन 4K वीडियो बना सकते हैं आप, इतना कोई इशू नहीं होता। अगर आप 1080p पे भी बना रहे हैं 60 FPS पे तब भी आपको इतना इशू ये नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों को बड़ा एक मज़ा आ रहा होगा चलाने का, तो आप लोग खुद कहेंगे यार हम लोग जो है ना 1080p भी चला रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और वीडियो स्टेबलाइजेशन इसकी अच्छी है, मैं नहीं कहूँगा, मैंने इसके बाद Alpha 9 भी नहीं खेली और मैंने इसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेली, लेकिन बबलू लोहारी हैं एक यूट्यूबर, उनकी मैंने वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने Alpha 8 भी खेली थी, उन्होंने उसके अलावा
कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेली थी, क्वाड भी खेली थी, तो उन्होंने अल्ट्रा एचडी पे क्वाड खेली थी और उनकी जो है ना हल्का सा फ़ोन हीटअप हुआ था बट कोई लैग उनको महसूस नहीं हुआ। मैंने एचडीआर पे गेम खेली है, फुल एफपीएस करके 100% सब कुछ करके मैंने खेला है, मुझे हल्का सा भी कहीं जो है ना इसमें हीट फील नहीं हुआ, 38 पे या 38 पे ही रहा। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा किसी की भी वीडियो जिसमें पबजी खेलते हैं, इस प्रोफाइल पे दिखा रहे हैं। अब पबजी का रिव्यू मैंने आपको इसमें दे दिया, इसमें मैंने आपको गेमिंग रिव्यू भी अपना मैंने आपको इसमें जो इसकी टेस्ट था मैंने कैमरे का वो भी आपको मैंने दे दिया। इसका कैमरा अगर आप लोग अगर कैमरे के लिए आप बाय करें तो मैं आपको 100% कहूँगा अगर ये आप बाय करें। और एक और मज़े की बात, अगर आप ब्लॉगर हैं और आप कहेंगे यार मैं एक फ़ोन लूँ और मैं इसका माइक वगैरह लेके इसको यूज़ करूँ, तो मेरे भाई माइक की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक अवेलेबल है, दोनों तरफ ड्यूल माइक अवेलेबल है, ड्यूल स्टीरियो अवेलेबल है। मुझे माइक की जरूरत पड़ी नहीं ये यूज़ करने के बाद, क्योंकि मैंने वीडियोज़ इसके बाद जो भी जितनी भी वीडियोज़ बनाई मुझे उसमें माइक की जरूरत नहीं पड़ी और मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आती है। पीछे की जो बिल्कुल आवाज़ है उसने बिल्कुल कैंसिल कर दिया उसको, हालांकि पीछे पंखा चल रहा है उसकी आवाज़ आती है लेकिन इसने बिल्कुल कैंसिल कर दी उसको। और अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये बन रही है S6 एज से, जो सैमसंग का S6 एज है। अब मैं इसे और उसकी इसकी वीडियो कंपेयर करूँ तो वो फ़ोन 4 साल पहले आया था और ये अब आया है, लेकिन उन्होंने अभी भी सैमसंग को पीछे छोड़ दिया, शाओमी ने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया और वो कम पैसों में अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप लोगों को मैं 100% यही कहूँगा कि आप लोग जाके फ़ोन ज़रूर बाय करें अगर आप लोगों का 32,000 या 30 तक बजट है। अगर आप लोगों को जानने वाला हो तो 30 में भी दे देगा, नहीं तो 31 तक आप लोगों को फ़ोन मिल जाता है। सो आज की ये कुछ थी हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी आपके दिल में है ज़रूर करिएगा। अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को जल्द से जल्द 1,000 सब्सक्राइबर्स दोबारा करवा दें क्योंकि यूट्यूब के इशूज़ की वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स कुछ कम हो गए। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। वीडियो तो बनी ही बंद करना।